अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एएचए असिस्टेंस। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काइंडली टिल एंड देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को इस हवाले से कंफ्यूजन होती है कि उनके असाइनमेंट के कितने मार्क्स उनके फाइनल रिजल्ट में काउंट किए जाएंगे। इस हवाले से कंप्लीट गाइड करने जा रही हूँ, प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। चाहे आप बीए बीकॉम या मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका कोर्स 3 credit है या 6 credit। बीए बीकॉम लेवल पे 3 credit hours books भी हैं, 6 credit hours books भी हैं, अलबत्ता मास्टर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 3 credit books हैं। अब आप इसमें क्या डिफरेंस है, 3 credit books में आपके या 3 credit hours में आपके 2 assignments सबमिट होती हैं, अलबत्ता 6 credit hours में आपकी 4 assignments सबमिट की जाती हैं। अब असाइनमेंट 1 और 2 यानी 3 credit hours के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपकी एक असाइनमेंट में 60 marks हैं असाइनमेंट 1 में और असाइनमेंट 2 में आपके 80 marks हैं, यानी आपके असाइनमेंट के टोटल मार्क्स बने 120। इसको हम डिवाइड करेंगे 200 से और फिर मल्टीप्लाएंगे करेंगे 30 से। 30 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 30% मार्क्स लगाए जाते हैं आपके असाइनमेंट्स के पेपर्स में, ठीक है। अब ये आपके मार्क्स जो टोटल आ जाएंगे, ये एवरेज मार्क्स, वो मार्क्स आए हैं जो कि आपके असाइनमेंट के बोथ असाइनमेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे फॉर योर फाइनल पेपर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 6 credit hours को देखें तो उसमें 4 assignments सबमिट होती हैं। असाइनमेंट 1+2+3+4 इन चारों असाइनमेंट्स के मार्क्स को टोटल करके डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके 50 ईच सब्जेक्ट में है, तो सिंपली आपके 50+50+50+50 डिवाइडेड बाय 400 होगा और मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, तो जो आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो आपके मार्क्स लगाए जाएंगे आपके पेपर्स में। होप सो ये तमाम डिटेल्स आपको क्लियर होंगी। साथ ही साथ अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि अगर उन्होंने एक असाइनमेंट सबमिट की है पर दूसरी असाइनमेंट सबमिट नहीं की तो इट्स मीन कि वो फेल है। होता यह है कि अगर आपके असाइनमेंट 1 में इतने मार्क्स आ गए हैं कि वो पासिंग मार्क्स कैलकुलेट किए जा सके तो आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो पास हो जाएंगी, बेशक आपकी असाइनमेंट 2 सबमिट नहीं हुई। लेकिन अगर आपने दोनों असाइनमेंट सबमिट नहीं की तो ऑब्वियसली आपके पासिंग मार्क्स बन ही नहीं सकते, तो इस वजह से आप उस स्पेसिफिक कोर्स में आप फेल होंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप फेल होंगे और उसका आपका रीएडमिशन करना होगा। कंप्लीट डिटेल के साथ प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको कि किस तरीके से रीएडमिशन होगा, क्योंकि रीअपेयर सिस्टम थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है, उस हवाले से भी इन डिटेल बताऊंगी। इसलिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एएचए असिस्टेंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।